बिहार में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। जगह जगह हो रही बारिश और जल जमाव ने लोगों की परेशानी को फिर बढ़ा दिया। बेगूसराय में लगातार हो रही बारिश से स्थिति बेहद खराब हो गई है। पानी निकासी को लेकर अलग अलग वार्ड के लोग एक दूसरे से मारपीट पर उतारू हो रहे हैं। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के तकरीबन सभी वार्ड में बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। आलम यह है कि लोग बाहर निकलने के लिए भी जुगाड़ से बनाए गए चचरी पुल का सहारा ले रहे हैं। को बोले आधा गांव डूब गए, एक आध दो दिन बर्दाश्त करो, लेनी की घर का पानी सब निकल लेते, कुछ आधा भी खाली भेज देते हैं तब वो बंद करवा। उपाय नहीं बने थे, सुनिए ना, उसके बाद क्या हुआ, बिना अभी हमको जानकारी दिए हुए ये डायमंड पर जो सामने वाला एक खलवा दिए, अभी वहाँ पानी रेस मार रहा है मोहल्ला की, उधर भाग रहा है, इधर मोहल्ला घुस रहा है, आधा पानी तो डूब चुका है। सुबह था क्या किए, कौन है, हम इनसे पूछा आप कौन है, तो ये बात तमीज से पेश आए, कहते तुम हमको गाली दिया, जबकि अभी इतने लोग हैं, अभी गाली वापस निकल रहे हो। मैंने गाली गाली अभी मैं इनको बोला कि आपने चिट्ठी लाया SDO साहब का कि किसी को मोहल्ला को डुबाना है, किसी को मोहल्ला को नाश करना है, क्या कानून ये कहता है कि एक मोहल्ला 10 को घर बचाने के लिए 100 घर को डुबा दो? नहीं, क्या कानून में ये प्रावधान है, क्या संविधान कहती है कि आप दमंगी होकर जाइए रोड जाम कर दीजिए और किसी के घर को डुबा दीजिए? अच्छा, कानून ये कहता है, अगर अगर कानून संविधान में लिखा है तो संविधान हमको दिखा दे और पूरा गांव को डुबा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, इसका अस्थायी समाधान, अस्थायी संविधान एक ही है कि राजनीति इस पर नहीं हो, प्रेम से बैठ कर बात हो। हम आपको कोऑपरेट किए हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं, और आप उसका फायदा उठाने का प्रयास करिएगा तो ये लोग भी मरता क्या नहीं करता, कुछ भी करने के लिए तैयार। पहला सेंस यही है कि पानी किसी घर में नहीं जाए। वहीं बीच बचाव कर रहे अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने बताया कि दो दिन पहले भंभरे को साफ किया गया था, जिसके बाद दूसरे वार्ड के लोग जबरन पानी घुसाने का आरोप लगाकर मारपीट पर उतारू हो गए हैं। कल तक जो हम लोग, कल मेयर साहब और क्या कहते हैं सारे प्रशासनिक पदाधिकारी लोग थे, जिला प्रशासन, नवोदय विद्यालय के पास जो था वो अवरोध होने के बाद में उसको खोला गया, और वहाँ से अब जो है वार्ड नंबर 41, 42, 43, 44, 45, नया टोला बाजितपुर और नवोदय का पानी बहाव का स्टार्ट वहां से हो गया है। अब स्थिति ये था, वो पानी का रिसाव नहीं हो रहा था, तो उन्होंने जिला प्रशासन ने कहा, नगर निगम प्रशासन ने कहा, रोड के बगल बगल जो है जो पानी जमा हुआ उसको केवल साफ कर देना है। आज उसी की सफाई हो रही थी, खातोपुर के सब लोग जनता लोग थे, और सुबह हम भी आए और नगर निगम महोदय से बात हुई, मेयर साहब से बात हुई, सुबोध जी जरा उसको साफ करवाया जाए। और डायमंड पेट्रोल पंप के पास जब हम लोग पहुंचे तो हेमंत कुमार पिंकू और अनिकेत कुमार झा ने पूरा प्रोटेस्ट किया और पूरे ग्रामीण को बुला करके उसने मारने पर उतारू हो गया, और उसने इतना तक कह दिया, वकीलवा राजनीति करता है, वकीलवा रंगदारी कर रहा है, वकीलवा बाबा बनता है, सब मिलकर इसी को मार। अभी स्थिति हमको रात रिपोर्ट मिल रहा है, जहाँ हम लोग गंगा पुल के पास गए थे वहाँ पे एक फीट पानी घट चुका है, और मनोकामना मंदिर के पास में लगभग 8 इंची पानी घटा है। यही स्थिति रही तो लोग लगातार एक दूसरे से उलझते रहेंगे। जरूरत है जिला प्रशासन के द्वारा जल निकासी के लिए स्थायी निदान खोजे, ताकि पानी की निकासी आराम से हो सके। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।